हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में मैं रूट 10x, रूट कॉटेक्स, इनके इंटीग्रल के बारे में बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एलजेब्रिक ट्विन्स क्या होता है एंड उसकी मैनिपुलेशन से इंटीग्रल्स को लविंग फॉर्म में या नॉन इंटीग्रल्स जो हैं उस फॉर्म में कैसे चेंज कर सकता हूं। तो मेनली ये सेशन हम एलजेब्रिक ट्विन्स को फोकस करेंगे। ओके, ध्यान से देखो। मान लो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, इंटीग्रल रूट ऑफ 10x। ठीक है, ये मैं आपको सिखाऊंगा dx एंड रूट ऑफ cot x, ये आपके लिए असाइनमेंट होगा। ठीक है, इसी बताने के साथ साथ इसकी जो टेक्निक है एलजेब्रिक ट्विन्स क्या होता है और कैसे हम उसे अप्लाई करते हैं उसके बारे में भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे और उसका ये सिंपलेस्ट केस है। ओके, तो नाउ फोकस हियर। मैंने क्या किया कि ऑल्दो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे, तो ये सारी बातें बहुत ज्यादा काम की नहीं है क्योंकि एक बार आ जाएगा तो आप उसे फर्दर अप्लाई कर पाएंगे। इंडेफिनिट इंटीग्रल में एक बार टेक्निक आप सीख जाएंगे तो उससे आपको फायदा होगा। ओके, मैंने क्या किया, ध्यान से देखिए। मैंने रूट ऑफ 10x को, ये मुझे समझना था, तो 10x को मैंने क्या मान लिया, 10x को मैंने मान लिया टी स्क्वायर मान। 10x को क्या मान लिया, टी स्क्वायर मान लिया। ओके, 10x अगर मेरे पास टी स्क्वायर होगा तो ध्यान से देखना sec स्क्वायर dx की वैल्यू कितनी आएगी, sec स्क्वायर x dx, इसकी वैल्यू मेरे पास आएगी 2t dt। ठीक है ना, एंड dx की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ, dx की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, 2t dt अपॉन, समटाइम्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, एलजेब्रिक को ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने से फायदा होता है। ठीक है ना, लेकिन इन केसेस में ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैनिपुलेशन है उसको एलजेब्रिक में चेंज करने से फायदा होता है और उसका रीजन भी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक ट्विन्स है, जो टेंस है, जो मैनिपुलेशन है एलजेब्रिक ट्विन्स की, वही उसका रीजन है। ध्यान से देखिए, sec स्क्वायर x अपॉन में आएगा 1 + tan² x, 1 + t^4 में इसे लिख सकता हूँ, क्योंकि 10x अगर टी स्क्वायर है तो 10² x क्या आएगा, t^4, ये मेरे पास आ जाएगा इतना, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। ओके, ये जो चेंजेस हैं, ये मैंने जो चेंजेस किए से रिप्लेस किया, तो ध्यान से देखिए इंटीग्रल मेरे पास क्या बन गया, इंटीग्रल मेरे पास बन गया, यहां पर 2t dt आएगा, 1t इसका आ जाएगा, तो 2t² अपॉन 1 + t^4 dt, ये मेरे पास इंटीग्रल बन गया और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ओके, ट्विन्स क्या है, ट्विन्स को समझिए। मैंने क्या किया कि लाइक ध्यान से देखना, जैसे अब मैंने क्या किया कि जो टी स्क्वायर है, ट्विन्स क्या होता है उसे डिटेल में भी मैं बताऊंगा आपको, टी स्क्वायर प्लस 1/t² है, ट्विन्स का मतलब सिंपल सा है, इसे मैं चेंज कर सकता हूं टी प्लस 1/t का होल स्क्वायर, इसमें भी लिख सकता हूं मैं, ठीक है ना, -2, अगर मैं इसे एक्सपेंड करूंगा तो कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1/t² + 2, एंड इसे मैं चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं t - 1/t² + 2 भी लिख सकता हूं मैं। ओके, अब ध्यान से समझिए, लाइक ये दोनों फायदे हैं इसके, हम यहां पर बात करेंगे, तो इस टाइप का एक्सप्रेशन क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, टी स्क्वायर को डिवाइड कर दिया तो ये मेरे पास 2dt अपॉन कितना आया, t² + 1/t² आया। ओके, सही है, इतना मेरे पास आ चुका है और इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ओके, नाउ फोकस हियर, मैं ये जानता हूं कि t + 1/t इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कितना आएगा, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव आएगा 1 - 1/t². सही है, और इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव कितना आएगा, इस वाले का,
कि वन का आया और टू का जो डेरिवेटिव आएगा, टू का डेरिवेटिव आएगा मेरे पास वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। इसका जो प्रॉपर तरीका है कब ये टेक्निक अप्लाई होगी वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस केस को आप अच्छे से समझेंगे आगे डिटेल में भी बताएंगे हम। कंसंट्रेट करिए कि जैसे अगर 2dt t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर है एंड ये आ गया, तो इन दोनों का सम कितना बन रहा है, इन दोनों का सम 2 बन रहा है, तो इस स्टेप में ये प्रॉब्लम क्रैक हो गया। इस 2 को मैंने कैसे लिखा ध्यान से समझिए, इस 2 को मैंने लिखा 1 माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 अपॉन t स्क्वायर, ओके ऐसे लिख दिया। इससे फायदा क्या होगा, जो इंटीग्रल था वो मेरा नोन फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब ध्यान से देखिए, अभी मेरा टारगेट, मैंने सिंपल सी मैनिपुलेशन बताई है, इसके जनरलाइज फॉर्म नहीं बताई, जनरलाइज फॉर्म हम आगे लेंगे एंड जनरलाइज फॉर्म में लाइक काफी फायदा होगा इससे, ये काफी काम का है रिजल्ट और मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत है नहीं। ध्यान से देखना, ये मैंने क्या किया कि अब आगे जा रहे हैं, तो जब मैंने क्या किया 1 माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर लिखा ऊपर, फोकस करना डीटी, तो अपॉन में इस एक्सप्रेशन को अपने रिक्वायर्ड किससे फायदा होगा उसमें चेंज किया, तो इसमें चेंज किसमें किया मैंने, इसको मैंने चेंज किया किसका, जिसका डेरिवेटिव ये है, तो इसे मैंने चेंज कर दिया टी प्लस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर माइनस 2, ओके प्लस जो सेकंड पार्ट है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसको मैंने चेंज किया टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर प्लस 2 डीटी। जैसे ये किया तो ये मेरे पास ओवरऑल लविंग फॉर्म में आ चुका है, ये इससे आगे आपको नहीं बताया जाएगा, इसके आगे आंसर आएगा। कैसे आएगा ध्यान से समझिए, वो मैं आपको बताता हूं कैसे आएगा आंसर। अगर मैं इसे टी लैम्डा मानूंगा तो ये मेरे पास टी लैम्डा आ गया, ठीक है। अगर मैं इसे म्यू मानूंगा तो ये मेरे पास क्या है, डी म्यू है, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, डी लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर माइनस 2। तो इसका रिजल्ट कितना होता था, इसका रिजल्ट कितना होता था, इसका रिजल्ट क्या था भाई, यहां आंसर लिखूंगा मैं, आगे नहीं जाऊंगा। ध्यान से देखिए इसका रिजल्ट क्या था, इसका चलो यहाँ लिख देते हैं, इसका रिजल्ट था 1 अपॉन 2a ln x माइनस या अपॉन x प्लस है, तो कितना था 1 अपॉन रूट 2 ये रूट 2 का स्क्वायर है ln, और ये कितना आएगा t प्लस एक स्टेप में आप लिख लेना x माइनस a रूट 2 अपॉन कितना आएगा t प्लस 1 बाई t प्लस रूट 2, सही है, प्लस ये कितना आएगा, इसको लैम्डा लिखेंगे या म्यू लिखेंगे तो डी म्यू है, तो डी म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन ए टेन वर्स एक्स वाई, 1 अपॉन रूट 2 टेन इनवर्स टी माइनस 1 बाई टी अपॉन रूट 2 प्लस सी, ओके। तो ये मेरे पास आंसर की फॉर्म में आ गए, इस आंसर में मैं टी की जगह क्या लिखूंगा, टी की जगह क्या लिखूंगा, क्या माना था रूट ऑफ टेन एक्स लिख दूंगा, तो मेरे पास फाइनल आंसर आ जाएगा। बात समझ आ गई, तो काफी आसान है, मतलब लाइक ये रिजल्ट मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मालूम होने चाहिए, आने चाहिए। रूट ऑफ 10x हो सकता है आपके लिए टफ होता हो, लेकिन मुझे लगता है सपोज से कोई भी टफ नहीं है, रूट ऑफ कॉट एक्स आप अटेम्प्ट करिए, ध्यान से समझिए, सिंपल से रिजल्ट है, रूट ऑफ कॉट एक्स को अटेम्प्ट करिए एंड रूट ऑफ कॉट एक्स ये आपके असाइनमेंट है। इसके अलावा मैं एक और असाइनमेंट दे रहा हूँ जो कि ट्विंस का जनरलाइज फॉर्म है, मैं दे रहा हूँ आपको 2x स्क्वायर प्लस 3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9 dx, समझे। तो ये ट्विंस जो मैनिपुलेशन है अगले सेशन में मैं बताऊंगा कि हर उस जगह इसको आपको अटेम्प्ट करना है, इसको अटेम्प्ट करना है एंड मैं आपको बताऊंगा कि हर उस जगह जहां पर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इस टाइप का इंटीग्रल है, तो इसमें ट्विंस मैनिपुलेशन लग सकती है, बशर्ते बी स्क्वायर माइनस 4ac कैसा हो,
लेस देन जीरो हो तो इसे आप अटेम्प्ट करना, इसे आप अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगा कि हर उस सेशन में, हर उस एक्सप्रेशन में जिसमें पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू अपॉन ए एक्स की पावर फोर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी है, तो ट्विंस जो मैनिपुलेशन है उसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, इस प्रॉब्लम को दोबारा से करिए, दोबारा से मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सिंपली टेन एक्स को टी माना है, ये पूरा एक्सप्रेशन नोन है, इसको मैंने फिर एलजेब्रिक में चेंज किया है और फिर इसे ये मैंने ये वाली मैनिपुलेशन की है कि कैसे क्या चेंज हो रहे हैं, इनके डेरिवेटिव देखें, ठीक है, और इसे मैंने चेंज किया। ओके, यहाँ पर टी की जगह रूट टेन एक्स, वो गायब हो जाएगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये आ जाएगा, ठीक है। ओके, ध्यान से समझिए। और जनरली ऐसा होता है कि एलजेब्रिक को, एलजेब्रिक जो इंटीग्रल्स होते हैं उनको ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करने से फायदा होता है। मैंने आपको बताया कि रूट टेन एक्स एंड रूट कॉस एक्स ऐसे इंटीग्रल है जो एलजेब्रिक फॉर्म में चेंज करने से आसानी से होते हैं या उन्हें कर पाते हैं। और एक ट्विंस मैनिपुलेशन भी मैंने आपको बताई है, वो सेम ही है और उस पर बेस्ड आपको प्रॉब्लम भी दिया है, ठीक है ना। आगे के सेशन में मैं एडवांस जो सबसे एडवांस वर्जन है जनरल फॉर्मेट ट्विंस मैनिपुलेशन की, उसे डिस्कस करूंगा। ओके।